Problem 10. Nair keeps his books on single entry system. His statement of assets and liabilities as on 31st December 2016. ये 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन है जी, एसेट्स हैं और एक तरफ लाइबिलिटी है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हम जो है ना वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही इज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू रुपीज 3000। ड्राइंग कितने है? 3000। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%। लैंड एंड बिल्डिंग को आपने डेप्रिसिएट करना है 2%। फर्नीचर एंड फिक्सचर को 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी को 10%। देन उसके बाद है सन्ड्री डेटर एंड आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। सन्ड्री डेटर को आपने 2% रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इस पर भी आप प्रीमियम लेंगे या रिजर्व, ठीक है। देन उसके बाद ही हैज यूज्ड 800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस। ये होगी जिसकी ड्राइंग गुड्स की सूरत में, कितनी? 800। During the year 2016, he sold some of his household furniture for rupees 1000. 2016 में उसने अपना एक फर्नीचर सेल किया 1000 का and paid in this into his business bank account. और business bank account में deposit करवा दिया। तो ये हमारा क्या है? Fresh capital होगा, ठीक है? क्योंकि उसने फर्नीचर सेल करके business के bank account में deposit करवा दिया, ठीक है? तो ये fresh capital है। His capital at the beginning of the year was रुपीज 30,000। ये कैपिटल है जी साल के स्टार्ट का, तो ये है जी आपका ओपनिंग कैपिटल। दैट मींस कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बनाएंगे सिर्फ क्लोजिंग। ड्रा अप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2016। तो अब हम इसकी ड्रॉ करेंगे जी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। तो सबसे पहले है जी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है जी? 20,000। इनर में लिखें क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन है, लेस करेंगे आप डेट, ठीक है। प्रेटिंग कितनी डेप है जी लैंड एंड बिल्डिंग पे? आर टू बी डेप्रिसिएट 2%। 2% लेना आपने 20,000 पे, तो ले जी कितनी अमाउंट आएगी? 20,000 पे 2% लेना आपने 400 आएगा जी। माइनस करें आप इसको, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 196,000। ये वैल्यू बची है मशीन की, डेप्ट लैंड की डेप्ट निकालने के बाद। देन उसके बाद है जी फर्नीचर एंड फिक्स्चर, इसको भी इनर में लिखें आप क्योंकि इसकी भी डेप्रिसिएशन 5%। 3,000 है जी, लेस करें आप डेप्ट, ठीक है। अब ये रेट आप लोगों ने खुद अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस तो होगी, ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 तो 400 आएगा। फर्नीचर 3000 है, इसका डेप्रिसिएशन का रेट है 5%, तो 3000 पे 5% अप्लाई करेंगे आप। 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 150। इसकी अमाउंट को लेस करें तो ये आ जाएगा जी 2850। उसके बाद है जी प्लांट एंड मशीनरी, कितनी वैल्यू है जी? 55,000। लेस करें आप इसमें से डेप, 55,000 पे रेट अप्लाई करें, 10% ले ली थी आपने, ये आ जाएगी जी 5500। माइनस करें आप इसमें से 49,500, ठीक हो गया। देन उसके बाद जी स्टॉक, स्टॉक है जी हमारा 9200। उसके बाद है जी डेटर्स, डेटर्स का भी आपने रिड्यूस करना है, डेटर्स को भी इनर में लिखें 75,500 लेस रिजर्व या राइट ऑफ, जो भी आप लिखना चाहें। अब डेटर की अमाउंट भी आपने कितना अप्लाई करना है? 2%, 75,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा जी आपके पास? 1510। माइनस करेंगे आप इसमें से तो ये आ जाएगी 7390।
आप लोगों ने कैलकुलेट करके ना फिर लिखना है। अगर मैं कोई रॉन्गली फिगर भी लिख देता हूँ ठीक है, तो आपने पोस्टिंग देखी है, जो पोस्टिंग गलत होगी तो फिगर आप लोग खुद भी ठीक कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो आप लोगों ने इसको ठीक कर देना ठीक है। बेटर आ गया जी आपका। देन उसके बाद कैश है जी आपका, कितनी अमाउंट है जी कैश की? 8300। लायबिलिटी साइड पे आ जाए आप, सन्डरी क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट है जी सन्डरी क्रेडिटर्स? 65000 लिखे आप लोग। देन लोन फ्रॉम मनी लेंडर, लोन लिया जी आपने, लोन फ्रॉम लेंडर्स कितने हैं जी? 56,600। देन उसके बाद अदर लायबिलिटीज हैं जी आपकी, कितनी अमाउंट है जी? 13,400। टोटल करें इस साइड का, लायबिलिटी साइड को क्या करें माइनस कर दें आप, तो इस साइड का टोटल कितना जी? 163,440। माइनस करें लायबिलिटी साइड को तो आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कितनी अमाउंट है जी? 28,440। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला था हमने? 28,440। ड्राइंग्स कितनी है जी? 3800 प्लस 3000 प्लस 800 ड्यूरिंग द ईयर, 800 की गुड्स जो है वो स्टॉक में से लेके गया था और कैश में बैंक ये 3000 प्लस 800, 3000 का कैश है और 800 की गुड्स है, ये कितना जी? 3800। कितना आ गया जी? 3,2,40। देन उसके बाद फ्रेश कैपिटल है, ये आप लेस कर दें 1000, तो कितना आ जाएगा आपके पास एडजस्टेड कैपिटल? 31,240। फिर ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है ठीक है स्टेटमेंट में, 30,000। कितना आ गया ये? 1240। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन है तो ये आपका क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट निकला है ठीक है। ये ओपनिंग एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ पेयर, सॉरी ओपनिंग कैपिटल गिवन था,